समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। जौली पुलिस ने एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में भैंस बरामद हुई, पुलिस ने की कार्यवाही। आपको बता दें कि झांसी ललितपुर राजमार्ग पर देर रात गाय की तस्करी की सूचना मिलने पर सक्रिय हुई प्रेमनगर थाने की बिजौली चौकी पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर गाय तो नहीं मिली, लेकिन भैंस बरामद हुई है। क्रूरता पूर्वक भैंसों को भरकर झांसी की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक देर रात हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक ट्रक क्रमांक MP09H3330 में गायों को भरकर तस्करी करवत करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर सतर्क हुई प्रेमनगर थाने की बिजौली चौकी पुलिस ने हाईवे मार्ग पर सतर्कता बरतते हुए ट्रक को पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर गाय की जगह 48 भैंस बरामद हुई, जो क्रूरता पूर्वक भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए लोगों के नाम उल्दन थाना क्षेत्र के पचवारा निवासी प्रताप सिंह, कोतवाली के कपूर टेकरी निवासी नवी हुसैन, जिला ललितपुर के सदनशाह निवासी समीर। पुलिस के मुताबिक भैंसों को ललितपुर से झांसी ले जाया जा रहा था। नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष गोरक्षा प्रकोष से हूँ मैं, जिस बिंदु महासंघ से। आज क्या क्या मामला हो गया? मुझे सूचना मिली थी कि बबीना टोल से एक गाय का भरा हुआ ट्रक निकल रहा है जी। तो मैं अपनी टीम को लेके वहाँ गया, तो वहाँ से मैंने गाड़ी का पीछा किया। मुझे पता चला गया कि ये गाड़ी है। मैं उस गाड़ी का पीछा करते रहा और स्पॉट पे आके मैंने बिजौली आके मैंने उस गाड़ी को रोका। तो ड्राइवर और क्लीनर जो थे उन्हें पकड़ा, तो वो लोग भाग गए और धक्का मुक्की देके भाग गए। जब गाड़ी में चेक किया गया तो उसमें एक इतनी क्रूरता से भैंसें इतनी बुरी तरह से भरी गई हैं कि आप स्वयं देख सकते हैं।